पेट्रोल के आयात में होगी 54,000 करोड़ की सालाना बचत। किसानों को होगा 49,000 करोड़ का सालाना फायदा। देश में लॉन्च हुआ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल। पीएम मोदी ने बीते दिनों एक नई क्रांति की शुरुआत की है। देश के 11 राज्यों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। भारत 2025 तक पूरे देश में इस फॉर्मूले के साथ पेट्रोल बेचना चाहता है, ताकि पेट्रोल के आयात खर्च में 54,000 करोड़ की सालाना बचत और किसानों को सालाना 49,000 करोड़ का फायदा हो। 2014 तक भारत में केवल 1.5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। पहले इसे बढ़ाकर 10% किया गया और अब सरकार जल्द से जल्द 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। 2021-22 में भारत ने 9,86,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया था, यानी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का 20 साल का बजट हो सकता है। गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन का बजट, देश की 8 साल का कृषि का बजट और देश के स्वास्थ्य का 11 सालों का बजट। यानी अगर भारत पेट्रोल की आयात पर निर्भर ना रहे तो कितना कुछ हो सकता है। मोदी सरकार लगातार इसी निर्भरता को कम करने में जुटी है। अभी तक देश में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन अब देश के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिल रहा है और 2025 तक ये पूरे देश में मिलने लगेगा। इसके लिए सरकार ने पहले 2030 का टारगेट रखा था, लेकिन इसे घटाकर 2025 तक कर दिया गया है। अब जल्द ही ये भी समझ लीजिए कि एथेनॉल क्या होता है और कैसे कार्बन एमिशन कम होता है। एथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जो चीनी की फर्मेंट करके बनाया जाता है। एथेनॉल ज्यादातर गन्ने से निकाला जाता है। धान समेत बाकी अनाजों से भी एथेनॉल निकाल सकते हैं। देश की पेट्रोलियम ऊर्जा जरूरतों को एथेनॉल पर शिफ्ट करना न सिर्फ एनर्जी का एडवांसमेंट है, बल्कि ये जरूरत भी है, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल से कम प्रदूषण वाला ईंधन है। अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल है तो कार से 30% कम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और हाइड्रोकार्बन्स भी 20% तक कम निकलते हैं। भारत में फिलहाल सालाना करीब 455 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। 20% ब्लेंडिंग के लिए 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाना होगा, जिसके बाद भारत दुनिया में ग्रीन एनर्जी का बड़ा प्लेयर होगा, क्योंकि भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया में अभी जितना तेल का भंडार है वो 2063 तक खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में करीब 200 साल पहले डीजल पेट्रोल की खोज हुई थी और तभी से दुनिया भर की ताकतें इसके लिए युद्ध कर रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक ना एक दिन दुनिया के तेल खत्म हो जाएंगे। ऐसे में उससे पहले डीजल पेट्रोल के नए विकल्पों पर दुनिया निर्भर होगी और इसीलिए दुनिया को एथेनॉल की जरूरत है। कुल मिलाकर एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत अपना पैसा बचा सकता है, किसानों की कमाई को बढ़ा सकता है, जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर सकता है और दुनिया में नए एनर्जी सोर्स का बड़ा प्लेयर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।